महानगर तहसील के मंगई नदी पर नवजात बच्ची झाड़ियों में रोती मिली, दाई ने ममता के आंचल की दी छांव। महानगर स्थानीय थाना क्षेत्र के सिंहपुर पुलिस चौकी से मात्र 2 किलोमीटर उत्तर मंगई नदी पुल के पास कल शाम एक नवजात बच्ची जिसके नाड़ भी नहीं कटे थे बबूल के झाड़ियों में रोती हुई मिली। लगता था कि कोई महिला लोकलाज की डर से इस बच्ची को झाड़ियों में रख कर चली गई थी। देर शाम मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर से दाई का काम करने वाली रीता देवी पत्नी मिठाई राम निवासी बछवल थाना महानगर घर वापस लौट रही थी। उसको छोटे बच्चे की रुलाई सुनाई पड़ी तो वह झाड़ियों की तरफ दौड़ी, जहां मामूली कपड़े में लपेटकर बच्ची को छोड़ा गया था। रीता ने ममता की आंचल उड़ाते हुए बच्ची को घर ले आई और सेवा भाव से लालन पालन में जुट गई, जिसकी चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। रीता रोजी रोटी के लिए प्रतिदिन पीजीआई चक्रपानपुर में दाई का काम करती है। उसके पास 3 पुत्र और 1 पुत्री पहले से ही हैं। रीता को यह बच्ची कैसे मिली, आइए सुनवाते हैं। रीता देवी बछवल घटकना मिठाई लाल। बच्ची के बारे में सर चाह रहे थे कि सुविधा कुछ सरकार की ओर से मिल जाएगा बच्ची के। आप आ रहे थे सर ड्यूटी से 3 बजे तो वहाँ नदी के पास मिली थी तो घर पर लेके आए थे। हाँ घर पर लिया के सेवा सत्कार कर रहे थे सर। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि कुछ सुविधा अभिनंदन दे देगा सरकार बच्ची के लिए। बछवल घटकना पड़ता है सर। हाँ घटकना जी। कैसे मिला बच्चा आपको? देखला तो उठा के लिया नदी है, नदी के तीर है तो बस उठा ले जीता। कहां पे काम करते हैं वो? पीजीआई चक्रपानपुर। चक्रपानपुर में काम करती हैं। तो कहां पे फेंका ये बच्चा? फेंका गया नदी है ये असली का जो असली का। अच्छा आपके क्या जैसे जो लोग ये काम करते हैं फेंकते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे का कल जब हुआ जब फेंक लो का कहले का हां तो वापस उठा के चल गया। आइए अपन काम करके आओ थे रानी पीजीआई से तक नहीं सको का के नारो पुला गला रहा। अपने घर से लिया के तो काटा लगा वैसा रहा।